रितु का साहस और सच्चाई। रितु का व्हाट्सएप पर कई लड़कों से दोस्ती और चैटिंग देखकर राज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से मानो अंगारे निकलने लगे, मुट्ठियां भीग गईं और पूरे शरीर में क्रोध की लहर दौड़ गई। हालांकि सारी चैटिंग नॉर्मल थी, अच्छे और मजाकिया चुटकुले और बातें थी जो फ्रेंड्स के बीच होती है। कुछ दोस्तों ने रितु की खूबसूरती और उसकी डीपी की तारीफ की थी, जिससे राज और भी जल भुन गया था। दोनों की शादी को अभी 7 दिन ही हुए थे। रितु, राज ने पूरी ताकत और गुस्से से चिल्लाया, क्या हुआ? रितु घबराई सी कमरे में पहुंची, तब तक उसके सास ससुर और ननद भी कमरे में आ गए थे। राज ने सबके सामने चिल्लाना और अपमान करना शुरू कर दिया। माँ, ये देखो, इस लड़की के व्हाट्सएप पर कई लड़कों से दोस्ती है, ये सही लड़की नहीं है। सास ससुर और ननद भी जलती नेत्रों से रितु को देखने लगे। रितु को अपनी गलती समझ नहीं आई, वह हतप्रभ खड़ी रही। जो राज रात दिन उसके प्यार का दम भरता था, उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था, उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें करता था, उसके इस रूप की रितु ने कल्पना भी नहीं की थी। राज, मैंने भी तुम्हारा व्हाट्सएप देखा, तुम्हारी भी कई लड़कियों से दोस्ती है, तुम्हारी बहन रानी के भी कई लड़के अच्छे दोस्त होंगे, इसमें गलत क्या है? रितु के बोलते ही सास ने जोर से कहा, चुप, जबान लड़ाती है, चटाक। राज का जोरदार थप्पड़ रितु के गाल पर पड़ा, गाल पर लाल लाल उंगलियों के निशान पड़ गए, आंखें पनियां गईं, चटाक। पहले से भी अधिक जोरदार थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंजी। इस बार रितु ने जोरदार थप्पड़ राज को मारा, ऐसा थप्पड़ कि राज को दिन में ही चांद तारे दिख गए। मुझे कमजोर लड़की न समझना, मैं पढ़ी लिखी और अपने हक और अधिकार जानने वाली भारतीय आर्मी के मेजर की बेटी हूँ। किसी भी हाल में चरित्र उज्जवल रखना और गलत सहन नहीं करना दो बातें पापा ने सिखाई हैं। इसके बाद किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो फिजिकल मेंटल टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूंगी। सासू माँ, आपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर तो बना दिया, काश लड़कियों से बात करने की तमीज और इज्जत करना भी सिखा देती। इसके बाद कुछ दिनों तक घर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। दीवारों में कान होने के कारण पड़ोसियों में भी इस नई बहू के तेवर की चर्चा होने लगी। एक दिन पहले की आदर्श बहू अब बहुत बुरी बहू बन गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद राज अपने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसके पिताजी भी गांव के किसी रिश्तेदार की बीमारी की खबर सुनकर गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ राज की माँ, बहन रानी और रितु थी। माँ छत पर कपड़ा सूखने डालकर आ रही थी कि अचानक पैर फिसलने से वह ऊपर की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी, जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गई, सर फट गया और तेजी से खून बहने लगा, पैर फ्रैक्चर होकर थोड़ा मुड़ सा गया। रानी और रितु चीख सुनते ही दौड़ पड़ी। रानी माँ को ऐसे हाल में देखकर नर्वस हो गई और जोर जोर से रोने लगी। रितु ने संयम रखते हुए एक पल भी देर न करते हुए सबसे पहले एक साफ कपड़े से सर पे पट्टी बंधी, जिससे थोड़ा खून बहना कम हो गया। फिर माँ को गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और रानी को बिठाकर सीधे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में तुरंत इमरजेंसी के सारे कागजात तैयार कर माँ को आईसीयू में भर्ती कराया और तुरंत माँ के लिए अपना ब्लड डोनेट भी किया। चोटें काफी गंभीर थी और रितु अकेले ही बहू की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह खाना पीना सोना जागना भूलकर सब काम कर रही थी। रानी को माँ के पास बिठाकर कभी डॉक्टर से बात करती, कभी दवाइयाँ लाती, कभी रिपोर्ट पढ़ती। राज और उसके पापा को खबर कर दी गई थी, फिर भी उनके आने में 9-10 घंटे का समय लग गया था। इन 9 घंटों में ऐसा लग रहा था जैसे रितु खुद यमराज से टक्कर लेने को तैयार थी। सुबह हॉस्पिटल में जब माँ की आँख खुली तो देखा पैरों में प्लास्टर है, सर पे पट्टी बंधी है, सामने राज रितु को गले लगाए है, रानी और उसके पापा की आँखों में आंसू हैं और डॉक्टर बोल रहा है, थैंक्स मेरा नहीं, इनका कीजिए जिन्होंने टाइम रहते हॉस्पिटल ले आए, वरना हमारे हाथ भी कुछ संभव न था। कल तक जिन आँखों में रितु के लिए नफरत थी, आज उन्हीं आँखों में कृतज्ञता के भाव थे और सभी की आँखों से आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।